हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे उनको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। तो आप दोस्तों, क्या है पूरी खबर, हम बात करने वाले हैं वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर जो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, बात करें पंजाब किंग्स से, बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि सबसे पहले अगर हम बात करें उनके प्रैक्टिस मैच को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें पंजाब किंग्स से, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। शिखर धवन के साथ उन खिलाड़ियों ने अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत की है। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, तो जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये है कि पंजाब किंग्स को ब्रेबॉर्न का स्टेडियम दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि मुंबई में जो स्थित स्टेडियम है, पंजाब किंग्स के खिलाड़ी वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। अब दोस्तों बात करें इसी के साथ, तो पंजाब किंग्स का जो नया होम ग्राउंड होने वाला है मुल्लानपुर का स्टेडियम, तो अगर दोस्तों हम बात करें, जैसा ने इस ग्राउंड को विजिट किया है और पूरी तरीके से तकनीकी खामियां हैं उसकी देखने की कोशिश की है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो हो रहा है T20 सीरीज, मुल्लानपुर का स्टेडियम पहले रखा गया था कि वहाँ पर जो है हमें पहला मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे कि टेक्निकल खामियों के चलते उस स्टेडियम में इस मैच को रखा नहीं गया। अब दोस्तों बात करें, इस स्टेडियम में IPL के मैचेस रखे जाएंगे जहाँ पर पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड रखा गया है। तकनीकी खामियों के कारण ही पंजाब किंग्स का जो प्रैक्टिस सेशन है वो हमें ब्रेबॉर्न के स्टेडियम में देखने को मिलेगा इस सीजन। अब देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से मुल्लानपुर का स्टेडियम जल्द से तैयार होता है और पंजाब किंग्स के जो खिलाड़ी हैं वो मुल्लानपुर के स्टेडियम की जो परिस्थितियां हैं, उसकी जो पिच है, उसको अच्छे तरीके से भांप पाए, ताकि आने वाले IPL के मैचेस में उन्हें किसी भी तरीके से तकलीफों का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों बात करें उसके बाद, तो पंजाब किंग्स के जो सबसे स्टार खिलाड़ी अगर हम बात करें, जितेंद्र शर्मा काफी चर्चित में चल रहे हैं, और जैसे ही हमने देखा पहले मैच में काफी अच्छे तरीके से रन बनाए थे, 20 गेंदों में उन्होंने 31 रन बनाए थे। और दोस्तों अगर बात करूं उनका जो इंटरव्यू लिया गया उसमें उनसे पूछा गया आपके स्ट्राइक रेट के बारे में, तो उन्होंने कहा मैं पूरी तरीके से अपने गेम को एंजॉय करता हूं और किसी भी तरीके से स्ट्राइक रेट पे कंप्रोमाइज करने की नहीं सोचता हूं। वो कहते हैं कि जिस सिचुएशन पर मैं बल्लेबाजी करने आता हूं वो उस समय क्रिकेट की डिमांड रहती है, खेल की, कि हमारा जो स्ट्राइक रेट है किसी भी तरीके से बढ़ाया जाए और टीम को एक अच्छे स्कोर पर लेके आया जाए, ताकि जो टीम है वो मैच को जीत पाए। ये सारी चीज़ें बोली हैं जितेंद्र शर्मा ने जियो सिनेमा में, जो उनका इंटरव्यू लिया गया था। अब दोस्तों बात करें पंजाब किंग्स को लेकर के, तो उनका जो खिताब जीतने का सपना है इस सीजन में दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से शिखर धवन ने अपनी जो प्रैक्टिस है सबसे पहले स्टार्ट कर दी थी दिसंबर के महीने में ही, तो देखना दिलचस्प रहेगा पंजाब किंग्स किस तरीके से खिताब की ओर आगे बढ़ती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।